आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है और जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए सपा ने प्रदेश की हॉट सीट से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चलिए आपको दिखाते हैं राजधानी की 6 विधानसभा सीटों पर सपा ने आखिर किन प्रत्याशियों पर अपना दांव खेला है, देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में अब चंद ही दिन शेष बचे हैं। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीते चुनाव के नतीजों ने विपक्षी दलों के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती रख दी है। चुनाव में एक बार फिर से बहुमत से जीत की दावेदारी पेश कर रही बीजेपी की रणनीति विपक्षी दलों का सिरदर्द बन चुकी है। ऐसे में सभी दल बहुत ही सोच समझ के आगे की रणनीति को तय कर रहे हैं, फिर चाहे वो जनसंवाद हो या प्रत्याशियों का चयन। क्योंकि अब चुनाव में कम वक्त बचा है तो सभी पार्टियां अपनी लिस्ट को भी अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट को जारी किया है। सपा ने लखनऊ की 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट के मुताबिक इस नई लिस्ट में 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची। उन्नाव के बागरमऊ से डॉक्टर मुन्ना अलवी को टिकट। लखनऊ के बख्शी तालाब से गोमती यादव को टिकट। लखनऊ पश्चिम से अरमान खान को टिकट। लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला को टिकट। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया को टिकट। लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा को टिकट। लखनऊ कैंट से राजू गांधी को टिकट। रायबरेली के बछरावा से श्याम सुंदर भारती को टिकट। इसौली से ताहिर खान को टिकट। बबेरू से विश्वंभर यादव को टिकट। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्सों के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। वहीं दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी पांचवें चरण में 60 सीटों पर, वहीं 3 मार्च को छठे चरण में 57 और 7 मार्च को अंतिम यानी 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होना है। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। अगर बात बीते चुनाव की करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थी। इसमें से अकेले 312 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी गठबंधन की अन्य दो पार्टियों में अपना दल ने 11 सीटों में से 9 सीटें और ओपी राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने 8 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा और कांग्रेस महागठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस महज 7 सीटों को जीतने में सफल हो पाई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा को 19 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। रालोद को 1 सीट और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। ऐसे में इस बार का चुनाव विपक्षी दलों के लिए एक कड़ी चुनौती वाला होने वाला है। फिलहाल ये देखना अहम होगा कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश का सिंहासन किसके नाम होता है। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। तो सभी दलों ने 2022 के चुनावों के लिए अपने धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। अब ये देखना होगा कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है। ये परफॉर्मेंस के बारे में तो रिजल्ट ही बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।